हम लोग अब ये देखते हैं कि ऐसे सवालों को हम कैसे सॉल्व करें कि रूट पांच को, पांच के वर्गमूल को अगर हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना हो तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। तो देखो हमारी संख्या रेखा क्या होती है, ऐसे होती है। अब इस पे जैसे जीरो है, एक है, दो है, तीन है, ऐसे हमारी संख्या है। अब यहां कहीं रूट नहीं लिखा हुआ है तो हम कैसे देखेंगे यहां होगा, अंदाजे से नहीं बता सकते क्या सर ये ऐसे यहीं कहीं होगा, नहीं हमें एग्जैक्ट चाहिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी कि अपने पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर सकते हैं। हमें रूट पांच निकालना है तो रूट पांच कैसे निकलेगा, देखो रूट पांच अगर मैं बिना रूट के संख्या देखूं पांच तो पांच कैसे बन सकता था, चार और एक से, ठीक है। पूरी पूरी संख्या निकालते तो चार क्या है, दो का स्क्वायर, और ये क्या है, एक का स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना हमें कि हमें ऐसी संख्या चुननी है जो पूरी पूरी वर्ग हो। तो ये क्या होता, दो स्क्वायर और चार स्क्वायर कितना होता है, पांच होता है। अब देखो हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, अब देखो मैंने ये कहा कि माना ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट क्या है, दो क्या है, ए है। मैंने ये दूरी को ले लिया और एक इधर खींच दिया, इसकी दूरी क्या है, दो है, इसकी दूरी क्या है, एक है, और इसको पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी, और एक जीरो बी से मैंने कर्ण खींच दिया, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि भैया आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, क्लियर। आधार क्या है, दो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, पांच का, सॉरी अब ये हो गया रूट पांच का स्क्वायर। दो स्क्वायर क्या हुआ, चार, और एक, पांच। अब हमारा खेल आसान हो गया, ये दूरी तो मैंने कहा आधार क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो दो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर क्या हुआ, पांच। तो ओ बी स्क्वायर अगर पांच है तो ओ बी कितना होगा, पांच का वर्गमूल, यानी ये हो गया मेरा रूट पांच। अभी पिक्चर बाकी है, बाकी क्या है कि पांच तो यहां है रूट पांच, हमें चाहिए इस संख्या रेखा पे, तो इसको कैसे लाएंगे। तो बेटा इसको क्या करेंगे, हम एक प्रकार लेंगे। प्रकार क्या होता है, जिसमें पेंसिल फंसा के अपने कोण बनाते हैं ना, तो मैंने एक प्रकार लिया और यहां से एक चाप लिया और चाप को मैंने ऐसे कर दिया, जहां पे यहां पॉइंट लगेगा ये मेरा रूट पांच होगा। समझ में आई बात बेटा, लास्ट लाइन वापस समझो, ये दो स्क्वायर चार और ये पांच, तो ये रेखा हो गई मेरी रूट पांच, परंतु मुझे पॉइंट चाहिए यहां पे, तो कैसे लूंगा, ये जो दूरी है मुझे यहां चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एक प्रकार लूंगा, प्रकार पे यहां का चाप लूंगा और फिर जहां पे मेरा पॉइंट बैठेगा वो मेरा रूट पांच होगा, ठीक है बेटा। तो ये चार, अब देखो इसमें सवाल आपको तरह तरह से आ सकते हैं। मैं आपसे कैसा कि बताओ बेटा रूट दो कैसे आएगा, मैं आपको जस्ट हिंट देता हूं, बाकी आप प्रैक्टिस करना, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे यूट्यूब हमारे इसमें वीडियो के नीचे कमेंट लिखे, मैं आपको उसका भी वीडियो बना देंगे। अब ये पांच का था, तो पांच में हमने क्या किया, चार और एक किया, तो रूट दो में हम क्या करते, एक स्क्वायर और एक स्क्वायर क्या होता, देखो इसकी वैल्यू क्या है दो, रूट दो की वैल्यू क्या है दो, तो मैं कहूंगा रूट दो बनाना होता तो मैं क्या करता, एक इधर लेता, तो ये तो हमारा आधार हो जाता, इतना ही दूरी मेरी लंब हो जाता और ये क्या हो जाता रूट दो, फिर मैं क्या करता यहां बैठा देता,
रूट तीन होता तो क्या करते? तो रूट तीन के लिए हम क्या करेंगे? रूट दो स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर। देखो तो रूट दो की जहां वैल्यू आती उसके ऊपर एक सेंटीमीटर का हम लाइन खींचते और फिर हम कह देते, तो यह आता हमारा ये रूट दो और ये हमारा रूट तीन। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अब जैसे रूट छह होता तो क्या करते? तो पहले रूट दो लाते और प्लस दो स्क्वायर, या दो स्क्वायर के बाद में रूट दो ला सकते थे। तो इस तरीके से हमें सवाल को कैलकुलेशन करनी है कि भैया सात आएगा तो क्या करेंगे, पाँच आएगा तो क्या करेंगे, दो आएगा तो क्या करेंगे। तो बेटा आप प्रैक्टिस करें, खूब करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट लिखें, हम आपको इनमें मदद करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब हम अगला सवाल पर बढ़ेंगे।